पालम साधनगर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पीएम प्रतिनिधि योजना कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों रेहड़ी पटरी व छोटे दुकानदारों को बिना ब्याज के 10,000 रुपए का लोन देने के लिए रजिस्ट्रेशन किए गए। इस मौके पर दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी के साथ क्षेत्र की पार्षद इंदर कौर, पूर्व डिप्टी मेयर कुलदीप सोलंकी, बीजेपी नेता सतपाल किशनिया, मंडल अध्यक्ष रमेश राणा, IHRO प्रदेश अध्यक्ष संजीव सोलंकी मौजूद रहे, साथ ही क्षेत्र की जनता भी यहां मौजूद रही। रमेश बिधूड़ी ने लोगों को भारत सरकार की इस योजना के प्रति अवगत कराया। सर, ये जो लोन दिया जा रहा है, कितने लोगों को इसका फायदा होने वाला है, किन किन लोगों को लोन दिया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से? देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सबका साथ सबका विकास इस पद्धति के अंदर, जैसे कोरोना में सबको 80 करोड़ लोग मुफ्त में राशन ले रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसे ही रेहड़ी पटरी खोमचा पर गरीब लोग रोजी रोटी कमाते हैं, गुजारा करते हैं, गाँव से निकल कर शहरों की तरफ पलायन करते हैं रोजी रोटी की तलाश में। गाँव में 1 एकड़ ज़मीन है, 0.5 एकड़ ज़मीन है, रोजगार है नहीं, गुजारा हो नहीं रहा है, बच्चे पढ़ लेंगे चलो शहरों की तरफ चलते हैं। पूरे देश में मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, ऐसे लोग जब वो शहर में आते हैं तो रोज़गार नहीं मिलता, तो फिर वो अपना काम करने की सोचते हैं। गांव में कुछ हलवाई का काम करता है, पकौड़े बनाना शुरू कर देता है, जलेबी बनाना शुरू कर देता है, सब्जी बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, छोटा मोटा घर में रोज़मर्रा के सामान की फेरी लगा कर लोग काम करते हैं। इन लोगों को उस रोज़गार को चालू करने के लिए रेहड़ी खरीदनी है, सामान खरीदना है, तो इन गरीब लोगों को साहूकारों के घरों में दस्तक देनी पड़ती थी, उनकी हथजुड़ी करनी पड़ती थी, 10 रुपए से 15 रुपए सैकड़े पर वो ब्याज पे पैसा देते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने गरीब आदमी साहूकार से ना लूटे, इसके लिए योजना चलाई है बगैर गारंटी के। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे देश के 140 करोड़ लोगों की गारंटी मैं हूँ, वो ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी, किसी का पैसा डूबेगा मैं दूंगा। तो बैंकों से बगैर गारंटी के 10,000 तक का लोन दिया जाता है, जिससे अपनी कोई रेहड़ी खरीद लेगा 4-5 हज़ार रुपये में, 4-5 हज़ार का अपना सामान लाएगा और बेचना शुरू कर देगा। बैंक में है 800 रुपये महीने वापस जमा कराने, एक साल में कोई ब्याज नहीं है इसमें जी, एक साल में जब कोई समय पे पैसे जमा करा देगा अगले साल इनको 20,000 रुपये लोन मिलेगा। तो 17 तारीख प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर और 2 अक्टूबर मोदी जी के गांधी जी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने घोषणा की हुई है, पिछले 5 साल से सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। 25 सितंबर को बीच में दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जन्मदिन आता है, उसमें सभी सेवा के, स्वच्छता के, समाज कल्याण के काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज यहाँ पर उसका ही साधनगर के अंदर और महावीर इंक्लेव के अंदर, मदनगिर के अंदर, 3 जगह ये कैंप स्वनिधि योजना के लगे हैं और दक्षिणी दिल्ली में इसी प्रकार से आज पोषण अभियान के 5 कैंप लगे हैं। तो ये सेवा के कार्य चल रहे हैं, उसी सेवा के कार्य की कड़ी में इंदर कौर जी हमारे यहाँ के निगम पार्षद आए और अब रमेश राणा भी नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष है, सतपाल जी हैं, कुलदीप जी हैं, हमारे ओम प्रकाश जांगड़ साहब हैं, हमारे बहुत ऐसे प्रमुख लोग हैं जो इस काम में जुड़े रहते हैं और उस प्रकार के ये आज शुभारम्भ किया गया। बैंक वहीं आते हैं, यहीं लोन देते हैं, MCD के लोग लिख के देते हैं, रेडी पट्टी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं और बैंक हाथ का दिन के पैसे में ट्रांसफर वैसे कर देता है। बता दें, इस योजना के अंतर्गत सरकार गरीब व्यापारियों व रेडी पटरी विक्रेताओं को बिना ब्याज के 10,000 रुपये का लोन दे रही है। यदि वो अपना लोन समय पर चुकाते हैं तो दोबारा 20,000 रुपये का लोन ले सकेंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में इसको मनाती है 15 दिन, उसी के अंतर्गत ये जो गरीब लोग हैं जो रेहड़ी पटरी पे काम करते हैं, जिनके पास अपना खुद का पैसा नहीं है, ये सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 10,000 रुपये का लोन उनको फ्री ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, जो 1 साल में किस्तों में इनको वापस करना पड़ता है। वो अपना कोई भी काम कर सकें, चाहे सब्जी का काम हो, चाहे और भी किसी चीज़ का कोई काम हो, वो अपना काम कर सके। उसके तहत ये आज ये पहला कैंप नहीं है साधनगर में, ये 3रा कैंप है। हमारे पास 150 के लगभग हैं, 125 या 150 के लगभग रजिस्ट्रेशन अभी है और कुछ पेंडिंग पड़ा है। पहले भी, इससे पहले भी हम 4 कैंप लगा चुके हैं। मैं करीबन 750 लोगों को लोन दिवा चुका हूँ और इसका बेनिफिट क्या है कि रेडी पेटी वालों को 10,000 रुपये का लोन देते हैं, 800 रुपये महीने की किस्त देनी पड़ती है, लगभग 9,600 रुपये लगभग बनता है एक साल का, 400 रुपये वो माफ़ हो जाते हैं और बिगड़ ब्याज के पैसे होते हैं। जैसे 10,000 रुपये दे देंगे उसके बाद उनको 20,000 रुपये का लोन मिलेगा, 20 से जमा करते हैं फिर 50,000 रुपये का, ऐसे एक समथिंग सिस्टम है वैसे बना था। आपकी वार्ड में लगभग कितने लोगों का आपने सोचा हुआ रजिस्ट्रेशन हो चुका है? मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं, 750-800 लोगों को तो लोन दिवा चुका हूँ। ये मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेव नदी के माध्यम से जो योजना आ गई उसके लिए गरीब आदमियों के लिए, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं
उनको 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया जा रहा है ताकि वे अपना काम कर सके और किसी से लोन पैसा ना उठाना पड़े उनको। धीरे धीरे जैसे इनके एक साल के अंदर ये पैसा जमा कर देंगे फिर इनको 20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, उससे इनका क्या है कि काम अपना चलता रहेगा, किसी से पैसे की मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस उपलक्ष्य में मोदी जी ने ये अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा था प्रोग्राम। भारत सरकार की इस योजना से जनता काफ़ी खुश है। उन्होंने कहा कहीं और से लोन लेने पर भारी भरकम ब्याज देना पड़ता है लेकिन सरकार बिना किसी ब्याज। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ये लोन दे रही है, हम अपना छोटा मोटा काम आसानी से कर सकते हैं। जो योजना मोदी सरकार की लोन वाली कितनी फायदेमंद है आप लोगों के? फायदेमंद बढ़िया है, अगर फायदेमंद लोन मिल जाता है तो, नहीं मिलता जब की बात है, मिलता तो फायदा है फायदा, नुकसान क्या है भाई, बिना ब्याज के और थोड़ी बहुत किस्तों पे 800 रुपये महीना जो भी किस्त बना अपने देते रहो, साल भर से पहले पहले जमा कर दो और अगली किस्त में फिर दोबारा 20 हज़ार रुपये फिर। अरे मैडम ये जो लोन वाली योजना है कितनी फ़ायदेमंद है आपके लिए? बहुत फ़ायदेमंद है सर, मेरे काम हो जाएंगे जो रुपये, धंधा भी चालू हो जाएगा उससे, तो बहुत अच्छा है। पर अभी नंबर तो आया नहीं मेरा। इसमें यह है दुकान खोले, दुकान का सामान भर लेंगे और जो भरना है गवर्नमेंट को वो जमा करेंगे, इससे फ़ायदा इसीलिए हमने लोन लिया। जमाला देवी, अभी ये जो मोदी जी की जो ये लोन योजना है ये कितना फ़ायदेमंद? हमारे गरीबों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे पहले भी आपने कभी लिया है? लिए हैं हम। कब लिया था? साल भर हो गए हमें लिए हुए जी, चुका दिए ये। वो चुका के अभी ये जी दूसरा ले रहे हैं। जो ये मोदी जी का जो ये लोन योजना अभी चल रहा है कितना फ़ायदेमंद है? है ही फायदेमंद तो है। इससे पहले भी आपने किया? नहीं लिया, फॉर्म भरा था लेकिन नंबर नहीं आया था। अच्छा, आपने जो ये लोन वाली जो ये योजना चली है आपको क्या लगता है कि कितना फ़ायदेमंद है? अभी तो पहली बार आए लेने। पहली बार आए, कैसे पता चला था आपको इस लोन के बारे में? बताए एक दूसरे आदमी बताए थे। इससे बहुत फायदा है गरीबों आदमी के लिए। आपने इससे पहले लिया हो? नहीं, पहली बार ही। पर इससे बहुत फायदा है क्योंकि गरीब आदमी सोचता है कि त्यौहार का टाइम आ गया, कहाँ से माल लाएगा, किससे पकड़ेगा, ये सुविधा कर दिया तो टेंशन हट गया। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भाजपा विभिन्न कार्यक्रम कर रही है जिससे आम जनता को सीधा लाभ पहुँच रहा है, ये कैंप भी इसी योजना का एक हिस्सा है। खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।